नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा और मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। अमेज़न प्राइम की एक वेब सीरीज है तांडव, वो रिलीज हो चुकी है। उसके बाद रिलीज होते ही अब बवाल मच गया है। बवाल किस बात पर है? बवाल है कि हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। इस पर तमाम सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर इसको लेकर बात हो रही है। और प्रद्युम्न, जिस तरीके से बीते कई वर्षों से देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया की हम बात करें तो इस पर लोग आवाज उठाते हैं, जैसे कि स्टैंड अप कॉमेडियन कुछ दिनों पहले मनोहर फारूकी भी इस मामले में गिरफ्तार हुए थे, और वेब सीरीज पर भी लगातार इस तरह के आरोप लगते रहते हैं कि वो हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये किस तरीके से देखें इसको, क्योंकि यह कैस क्यों हो रहा है, इस पर रोक क्यों नहीं लग रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तांडव वेब सीरीज जो सामने अभी आई है उस पर जमकर बवाल हो रहा है। ऐसे में बीजेपी नेता लगातार ये शिकायतें कर रहे हैं कि हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। अगर आप OTT प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो ऐसी तमाम वेब सीरीज हैं। आप मिर्ज़ापुर को देखिए, मिर्ज़ापुर में इतना बवाल हुआ था, फेमस वेब सीरीज जरूर है लेकिन उसके पीछे इतना बवाल किया गया था कि जो मिर्ज़ापुर के लोग हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, वो ये कह रहे थे कि मिर्ज़ापुर की छवि खराब की जा रही है। लेकिन क्या हुआ, वेब सीरीज आई, पैसा कमाया और चलती गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसी ये वेब सीरीज आई है तांडव। सबसे बड़ी बात यह है कि तांडव भगवान शिव से जुड़ा हुआ एक शब्द है। ऐसे में वो तांडव का जो शब्द है वो तो कहीं इस्तेमाल वहां पर किया ही नहीं गया है। भगवान श्री राम का जिक्र किया गया है, भगवान भोलेनाथ का वहां पर जिक्र किया गया है, काफी सारी चीजें बोली गई हैं जो अगर आप कल्चर की बात करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है वो सारी चीजें। तो ऐसे में ऐसी वेब सीरीज जब आती हैं तो हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है। तो लेकिन जिस तरीके से विरोध इसका हो रहा है तो ये सबसे बड़ी बात हो जाएगी कि विरोध करने के बाद आगे आने वाले समय में ऐसी वेब सीरीज आना बंद होंगी या फिर लगातार चलती रहेगी। बिल्कुल, क्योंकि इसके बाद क्या हुआ, प्रद्युम्न की तमाम जो बड़े नेता है, बीजेपी के नेताओं ने मोर्चाबंदी कर दी है, बीजेपी के नेताओं ने लेटर्स लिखे हैं और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, एक सेंसरशिप होनी चाहिए। क्योंकि पिछले मिर्जापुर के आपने जैसे कि जिक्र किया प्रद्युम्न, मिर्जापुर में जो हुआ उसके बाद फरीदाबाद में घटना होती है, एक लड़का एक लड़की को सरेराह गोली मार देता है और गोली मारने के पीछे कारण था एक तरफा इश्क, वैसा ही कुछ मिर्जापुर में भी दिखाया गया था। तो अगर इस तरीके की चीजें, इस तरीके का वॉयलेंस, न्यूडिटी, इस तरीके की चीजें अगर ग्लोरीफाई होती हैं प्रद्युम्न में, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज समाज पर गलत असर डालती है। आप केवल फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप इतनी नहीं दे सकते कि लोग बाउंड्री लाइंस क्रॉस कर जाएं, लोग लाइंस क्रॉस कर जाएं। तो जैसा कि मिर्जापुर में हुआ था कि गोली मारना दिखाया गया था कि एक तरफा इश्क में गोली मार देता है और वो हीरो है, उसको हीरो बनाकर दिखाया गया। तो ऐसी जब चीजें होती हैं तो फरीदाबाद में जब इस तरह की घटना हो जाती है तो ये कहीं ना कहीं समाज के लिए नुकसानदायक है। और अभी आपने जैसे शिवजी का जिक्र किया, शिवजी भगवान है, हिंदू लोग उनको मानते हैं। इसके बाद अगर आप किसी OTT प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हैं, किसी भी आप प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हैं, यहाँ पर सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म की बात नहीं है, स्टैंड अप कॉमेडियन की भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जब वो लोग एक प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर सीधे अटैक करते हैं, सीधे ऐसी बात करते हैं जो दूसरे को ठेस पहुंचाती हो, जबकि फ्रीडम ऑफ स्पीच में प्रद्युम्न कहा गया है कि आप तब तक वो बात कर सकते हैं जब तक वो किसी की नाक के सवाल ना हो, जब तक वो किसी और को असर ना करे, तब तक आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच बरकरार रहती है। तो जब ऐसी चीजें प्रद्युम्न हो जाती हैं कि आप खड़े होकर किसी को इतना ज्यादा वो करते हैं, किसी को इतना ज्यादा परेशान करते हैं, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत लगता है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए, एक समाज के लिए अच्छी चीज नहीं है। और OTT प्लेटफॉर्म्स जिस तरह से कई वर्षों से जिस तरीके से कर रहे हैं और एक बड़ा एंटरटेनर बन के निकले हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स बहुत यंगस्टर्स के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत देखा जाता है, तो ऐसे में प्रद्युम्न ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि इन पर रोक लगाना कितना जरूरी है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं काविंद्र, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भोलेनाथ के ऊपर जिस तरीके से जिक्र किया गया, आप ऐसी कोई वेब सीरीज बताइए जहां पर मुस्लिम समुदाय के जो भगवान होते हैं या जो खुदा को मानते हैं, बिल्कुल जिस तरीके से उनके ऊपर बहुत ही कम ऐसी वेब सीरीज बनी है कि वहां पर उनका अपमान किया गया हो चाहे किसी भी चीज में। लेकिन यहां पर अगर हम बात करते हैं तांडव की, तो तांडव में सैफ अली खान है और जो इसके निर्देशक हैं वो भी एक मुस्लिम है। बिल्कुल, जब ऐसी चीजें हैं और इन लोगों को पता है कि ऐसी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि अब्बास साहब जो हुए या फिर जिशान अयूब हुए, ये इन चीजों को समझते हैं कि उनका भी धर्म है, उनके धर्म को भी चीजें आहत करती हैं। चार्ली हैब्दो वाला मैटर हमने देखा, वहां पर एक कार्टूनिस्ट एक कार्टून बनाता है, एक पत्रिका में एक कार्टून बनाया जाता है, उसके पीछे कितना बड़ा बवाल हुआ, कितनी मौतें होती है, एक तरीके से पूरा एक टेररिज्म से जोड़ दिया जाता है उस चीज को। जब ये लोग समझते हैं कि इस तरीके की चीजें बाकी कंट्रीज में होती हैं, तो हिंदू कंट्री का इसको हम मैं कह दूंगा अगर, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदुओं की संख्या यहाँ पर ज्यादा है, तो अगर जिस कंट्री में मेजोरिटी ऑफ हिंदू रहते हैं वहां पर बार बार इस तरीके का प्रोवोकेशन, बार बार इस तरीके की चीजें करना कि आप लोग तब तक परेशान हम आपको तब तक करेंगे जब तक आप एक बड़ा रूप अख्तियार ना कर लें, जब तक आप सीधे लड़ाई और मैदान में ना उतर पड़े, तो ये चीजें
क्यों? क्योंकि इससे बाद में सोशल चीजें भी बिगड़ सकती है। सबसे पहले तो जो हमारे यंगस्टर हैं उनको ये सब चीजें पसंद आती हैं। अगर आप मिर्जापुर की बात करते हैं तो उसमें खुलेआम पर वायलेंस दिखाया गया था, तो वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं उनसे, और उन वेब सीरीज के जरिए क्राइम रेट भी बढ़ता है, क्योंकि आप जब ऐसी चीजें देखते हैं तो आपके दिमाग में चारों तरफ ग्लोरीफाई कर दिया जाता है, बिल्कुल वो सब चीजें घूमती हैं, तो ऐसे में क्राइम रेट भी बढ़ता है, आपत्तिजनक स्थिति भी ऐसी वेब सीरीज में खुलेआम परोसी जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप 18+ हैं, चलिए वो भी गलत है, लेकिन अगर आप 18+ से कम है, वो बच्चे भी इन वेब सीरीज को देखते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उनके दिमाग पर कितना गलत असर पड़ता होगा, और उनकी जो अभी भड़वार की उम्र है, परवरिश हो रही है, ऐसे में अगर ऐसी चीजों के संग उनकी परवरिश होगी तो आने वाले समय में क्या उनके दिमाग पर असर होगा, क्या आगे स्थिति उनकी बनती है, तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इसमें सरकार को ये चीज सोचनी चाहिए कि ऐसी आपत्तिजनक जो वेब सीरीज होती है जहां पर खुलेआम न्यूडिटी दिखाई जाती है, गाली गलौज दिखाई जाती है, जो कि बीप भी नहीं होती है, ऐसी कोई वेब सीरीज सेंसर से पास होकर आनी चाहिए, और इस तरीके की जो बर्ताव है वो बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहिए। तांडव की अगर हम बात करते हैं, तांडव में ना जाने कितनी जगह ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जहां पर हिंदू भावना को ठेस पहुंचना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि इस तरीके की चीज है कि फॉलोअर नहीं बढ़ रहे, ना जाने क्या क्या कुछ बोला गया है उसमें, तो ऐसी वेब सीरीज बनने पर बैन लगना चाहिए, क्योंकि एक तो जो हमारा समाज है उसमें सामाजिक माहौल बहुत खराब हो जाता है और लोगों की सोच पर बहुत असर पड़ता है। ऐसी कोई वेब सीरीज नहीं बनती जहां पर किसी विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट किया जाता हो, लेकिन ऐसी वेब सीरीज अब बनने लग गई है जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को अच्छा दिखाकर हिंदू समुदाय लोगों को गलत दिखाया जाता है। बटला हाउस की बात करते हैं, बटला एनकाउंटर की बात करते हैं, उसको बिल्कुल सही ठहरा दिया जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें दिखा दी जाती है कि जहां पर मुस्लिम के एनकाउंटर हो रहे हैं और वो हिंदू एनकाउंटर कर रहे हैं, तो ये सब कुछ बहुत दर्शाता है कि कितना भेदभाव यहां पर किया जाता है, प्रोपेगेंडा नजर आता है इसमें, प्रद्युम्न प्रोपेगेंडा जैसी चीजें दिखती है। कैसे इस वेब सीरीज की बात कर रहा हूं, तांडव को हम लोगों ने पूरा देखा साथ में, तांडव देखने के बाद हम लोगों ने एक चीज जो नोटिस करी, यहां पर प्रोपेगेंडा ज्यादा दिखा, हम लोगों को एंटरटेनिंग कब दिखी, प्रोपेगेंडा ज्यादा दिखा। बिल्कुल, वहां पर किसानों को दिखाया गया कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहां एक प्रधानमंत्री का पीए आता है, वो बताता है कि 3 मुस्लिम युवकों को आप गोली मार दीजिए। ये जो आम लोग हैं, जो बहुत आम लोग हैं, जो इतना ज्यादा अभी परिचित नहीं है, आंदोलन को करीब से नहीं देखा है और इतना ज्यादा पॉलिटिक्स में भी नहीं है, वो लोग अगर देखते हैं तो उनको सीधा असर पड़ता है। बिल्कुल, वो सोचते हैं समझते हैं कि उनके राजनेता ऐसे हैं कि इस तरीके की हरकतें करते होंगे, तो इससे कहीं ना कहीं एक जो हमारा सिस्टम है उस पर भी मार पड़ती है, सिस्टम को भी चोट पहुंचती है। इसमें एक और चीज जो ओटीटी प्लेटफॉर्म कर रहा है, जैसे कि प्रद्युम्न मिर्जापुर का हम लोग अभी जिक्र कर रहे थे, मिर्जापुर से वायलेंस बढ़ता है, ऐसे ही जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो एक वेब सीरीज आई थी आपने देखी होगी शायद, 4 More Shots वोडका वाली, उसमें 4 More Shots में वुमेन एम्पावरमेंट किस तरीके से दिखाया गया, उसमें दिखाया गया कि आप सेक्स करते हैं 4-5 लोगों से तो आप वुमेन एम्पावरमेंट की ओर जा रहे हैं, आप खुलेआम सुट्टा मार सकते हैं तो आप वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ जा रहे हैं, आप खुलेआम दारू पी सकते हैं तो आप वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ जा रहे हैं, आप कितने छोटे कपड़े पहन सकते हैं तो आप वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ जा रहे हैं, आप कितनी गालियां दे सकते हैं तो आप वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो ये कितना गलत है, ये समाज पे कितना गलत असर डालता है। अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें लड़कियों के लिए, तो वो वुमेन एम्पावरमेंट है। अगर हम लड़कियों के करियर को लेकर, कोई लड़की पायलट, अभी थोड़े दिनों पहले जो 4 पायलट हमारी देश को कितना गौरवान्वित किया, उनकी बात करते हैं तो वो वुमेन एम्पावरमेंट है। ऐसे ही जब हमारे देश की लड़कियां जब माउंट एवरेस्ट की चोटी चढ़ती है, जब हमारी देश की लड़कियां दूसरी कंट्रीज में जाके हमारे देश को रिप्रेजेंट करती है, वो दरअसल वुमेन एम्पावरमेंट है। बिल्कुल, शराब पीना, गाली गलौज करना, सिगरेट पीना, ये वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है। और ये ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है लोगों की, लड़कियों की, यंगस्टर्स लड़कियां जो अभी जल्द अभी जो कॉलेज पास आउट हो रही है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत देखती है, उनके मन में क्या चीजें आ रही होगी, वो करियर को लेकर इतना वो नहीं होंगी, इंटरेस्टेड नहीं होंगी जितना कि वो सोचती होंगी कि दारू पीना, सुट्टा करना और इन सब तमाम चीजों से वो ज्यादा मतलब निकल के लिबरल लगेंगे, फ्री। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि खुलेआम ऐसी चीजें परोसी जाती हैं, चाहे नशे की बात करते हैं, चाहे हम लोग आपत्तिजनक स्थिति जो फोटोज या जो जिस तरीके की जाती हैं वेब सीरीज में वो दिखाई जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उससे मानसिक संतुलन जो इंसान का होता है वो जरूर डगमगा जाता है, कि जब आप 18+ नहीं है, आपके अंदर इतनी समझदारी नहीं है, अगर आप उन सब चीजों को देख रहे हैं, चाहे नशे की बात हो या किसी और चीज की बात हो, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो सब चीजें घूमती हैं, आप सोचते हैं कि ऐसा करने से, एक बार देखते हैं क्या होता है कि जब ये लोग कर रहे हैं, हमारे जो मतलब जिसको हम फॉलो करते हैं, जब वो चीज कर रहे हैं तो हम भी एक बार करके देख सकते हैं, तो वो उन सब चीजों के चलते नशे का जो कारोबार है वो बड़ी ही फल फूल रहा है। ऑडियंस की जैसे आपने बात की, ऑडियंस की बहुत सही बात बताई इन्होंने दर्शकों, ऑडियंस की आप जब बात करते हैं, यहां पर सैफ अली खान है, डिंपल कपाड़िया है, इतने बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े एक्टर्स हैं, इनकी ऑडियंस आप समझ नहीं सकते, मिलियंस लोग हैं जिनको फॉलो करते हैं, जो इनके देखने पर इनके अगर ये बता देते हैं कि टी शर्ट अच्छी है तो टी शर्ट खरीद लेते हैं, सिर्फ नाम से, वो नहीं देखते कि किस तरीके की टी शर्ट है, वो कहते हैं कि सैफ अली खान ने कहा है तो वो टी शर्ट अच्छी है। जब ऐसे लोग हैं और जब ऐसी मूवीज में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में जब ऐसे एक्टर्स आके गाली देंगे, सुट्टा मारेंगे या फिर किसी और के रिलीजन पर कोई टिप्पणी करेंगे, तो कितना ज्यादा इसका असर होगा, मास असर होता है इसका, केवल पर्टिकुलर नहीं होता है, इसका मास असर होता है, मास में असर होता है, मासेस में, तो इन चीजों पर
क्यों ना यार, एक तरीके का जो है हम लोग सेंसरशिप की बात करें, क्यों नहीं इस पर बात होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया, ऐसे में अभी जब तक ओटीटी प्लेटफॉर्म भारत में इतना फेमस नहीं हुआ था तो सिनेमा चलता था, मूवीज आती थी, तो एक कायदा होता था, उसमें कायदे में रहकर मूवीज लॉन्च की जाती थी, उसमें भी किसिंग सीन होते थे लेकिन वो भी एक दायरे में होते थे। लेकिन अब ये दायरा इतना लांग चुके हैं ये लोग, सिर्फ क्यों, पैसे कमाने के लिए। जितना आप फालतू की चीज एक वेब सीरीज में दिखा सकते हैं उतना दिखाएंगे और उससे उतना ही पैसा कमाएंगे। तो एक सिर्फ पैसा कमाने के लिए या अपना प्रोपेगेंडा साबित करने के लिए इस तरीके की वेब सीरीज बनाई जाती है, जिससे जो भारत का भविष्य है, जो बच्चे हैं, जो उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, वो इन सब चीजों में अगर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वो उस गोल घेरे में रह जाएंगे और उस गोल घेरे से बाहर नहीं आ पाएंगे। ये ऐसा दलदल है कि अगर इस दलदल में कोई इंसान फंसता चला जाता है तो मानसिक संतुलन खराब होता है, शारीरिक स्थिति खराब हो जाती है और ना जाने ऐसे क्राइम भी हो जाते हैं। क्योंकि वेब सीरीज जब आप देखते हैं, मिर्जापुर की हम बात करते हैं, तो मिर्जापुर में खुलेआम गोलियां चलाई गई हैं, खुलेआम जिसको चाह उसको मार दिया, तो ऐसे में मानसिक स्थिति भी इंसान की वही सोच हो जाती है, तो उससे क्राइम रेट भी बढ़ता है। तो सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए काविंद्र, बिल्कुल इसमें आप सही कह रहे हैं कि सरकार को सोचना चाहिए, सेंसर को भी सोचना चाहिए कि ऐसी वेब सीरीज बिल्कुल ना लाई जाए। चाहे पैसे कमाने की बात हो, बिजनेस किया जाता है, लेकिन बिजनेस इस हद पे नहीं किया जाता है कि आप लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों की सोच से खिलवाड़ कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, हिंदुत्व के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हिंदू भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपमानजनक बिल्कुल हो जाता है। बिल्कुल प्रद्युम्न, एक चीज और है कि जब से ये तांडव वाली चीज दिखकर के आई है, ऐसा हम लोग कुछ टाइम से नहीं देख रहे हैं कि जब ऐसी चीजें आती है, जितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी होती है मूवी उतने ज्यादा हिट हो जाती है। बिल्कुल, तो ये भी कहीं ना कहीं इनके जहन में ना बैठ गया, और डायरेक्टर्स हुए, एक्टर्स हुए, जितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी उतनी ज्यादा मूवी की व्यूइंग, और ये बहुत खतरनाक चीज है। क्योंकि तांडव में भी अभी यही हो रहा है, जैसे कि जैसे कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, बीती भी कई मूवीज थी, पद्मावत में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बाद कंट्रोवर्सी के बाद मूवी उतनी ही बड़ी हिट हो गई। उसके बाद जब दीपिका पादुकोण जेएनयू में चली गई, आपको पता होगा उस मूवी के लिए, उस मूवी में भी बड़ा कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बाद वो मूवी भी बहुत हिट हुई। तो ये जो तांडव में हो रहा है, कंट्रोवर्सी हो रही है, मूवी उतनी ज्यादा रीच पहुंच रही है, प्रमोट भी हो रही है मूवी उसी तरीके से। इसके बाद आपको एक और जानकारी भी देते हैं शायद खबर के हिसाब से, कि नंदकिशोर गुर्जर हैं, वो गाजियाबाद के लोनी से विधायक हैं, उन्होंने इसके खिलाफ जो है एक पत्र लिखा है, और इसी के साथ राम कदम एक सांसद हैं महाराष्ट्र से, उन्होंने भी एक पत्र लिखा है। तो अब राजनीति जो है वो भी शुरू हो गई है, बीजेपी वालों ने भी मोर्चा संभाल लिया है, जो नेता हैं हमेशा की तरह इस बार आ गए हैं कि ये हिंदू भावनाओं के साथ छेड़छाड़ है। अब क्या होगा आगे, कैसे मूवी को रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का क्या भविष्य है, रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए कि सेंसरशिप होनी चाहिए, इस पर बहुत जरूरी है सोचना। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसे में सरकार को, सेंसर बोर्ड को विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि तांडव रोकने का मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में, चलिए आपने तांडव को रोक दिया, लेकिन आने वाले समय में ऐसी बहुत वेब सीरीज बनेंगी जो इसी तरीके से ठेस पहुंचाएंगी, तो उन पर काम करना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन ये जरूर समय बताएगा, पत्र लिखे गए हैं तो उसका जवाब भी यहां पर सामने आएगा, और उम्मीद यही है कि ऐसी चीजें ना बनाई जाए, या ऐसी चीज अगर बनाई जाती है तो एक दायरे में, एक सीमित दायरे में रहकर बनाई जाए। उम्मीद यही हमारी कि सरकार इस पर ध्यान दे, सेंसर बोर्ड इस पर ध्यान दे। फिलहाल इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही, बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ। नमस्कार।